आज से 67 साल पहले पुणे में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था, जो 1971 की जंग में शहीद हो गए थे। उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खेत्रपाल की वीरता के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाए जाते हैं। उस वीर की कहानी बहुत ही शौर्य से भरी हुई है, आइए जानते हैं उसके बारे में। 1967 में अरुण NDA में शामिल हुए थे। उसके बाद 1971 में 17 पूना हॉर्स में शामिल हुए। उसके बाद उन्हें 1971 की जंग में शामिल किया गया। अरुण की यूनिट ट्रेनिंग शुरू हुए 6 महीने ही हुए थे कि जंग का ऐलान हो गया। और जैसा कि शुरुआत में जिक्र हुआ है कि वह जिद के कारण मैदान जंग में आ डटे थे। बहस्तर नदी सकरगढ़ नाम के एक रणनीतिक सेक्टर से होकर बहती है। पाकिस्तान का प्लान था कि इस पर बने एक पुल को कब्जे में लेकर जम्मू कश्मीर को पठानकोट से अलग कर दिया जाए, जिससे वहां से सेना जम्मू ना पहुंच सके और कश्मीर पर कब्जा किया जा सके। पाकिस्तान ने सकरगढ़ में लैंडमाइन बिछा रखी थी, जिनका मकसद भारतीय टैंकों को आगे बढ़ने से रोकना था। इंडियन आर्मी के इंजीनियर कॉर्प लैंडमाइंस को साफ करते हुए पीछे आने वाली 17 पूना हॉर्स के लिए रास्ता बना रही थी। कर्नल हंटी टैंक फॉर्मेशन में आगे बढ़ते जा रहे थे, पीछे अरुण और अन्य अफसर थे। समय कम था, रास्ता पूरा साफ नहीं हुआ था। कर्नल हंटी ने अरुण और दूसरे अफसर को अपने टैंक लेकर नदी पार करते हुए दुश्मन के इलाके जरपाल में घुस जाने का हुक्म दिया। बहादुर अफसर अपने टैंकों की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़े कि राइफल गन्स के साथ सिपाही और पाकिस्तान के पेटेंट टैंक उनके इंतजार में थे। लड़ाई छिड़ गई। भारतीयों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और उनके टैंक ध्वस्त कर दिए। इस दौरान अरुण के साथी अफसर शहीद हो गए। अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के इलाके में अकेले रह गए थे। तभी सामने से 14 पाकिस्तानी टैंकों का स्क्वाडन तैयार थी। अकेले अरुण ही उनसे भिड़ गए। इसी दौरान दुश्मन के एक टैंक ने उनके टैंक पर गोले दागकर आग लगा दी। अरुण ने अपने पोजीशन कर्नल हड्डी को वायरलेस के जरिए बताई तो उन्होंने अरुण को वापस आने का हुक्म दिया। इस पर अरुण ने कहा, सर मेरे टैंक की बंदूक अभी काम कर रही है और मैं दुश्मन को गिरा कर ही आऊँगा। यह कहने के बाद उन्होंने अपने ड्राइवर नत्थू सिंह को रेडियो सेट ऑफ करने के लिए कह दिया, जिससे और कोई संदेश आ न सके। 21 साल के ऑफिसर अरुण खेत्रपाल ने जबरदस्त वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी टैंक धराशायी कर दिए। अब सामने एक टैंक था, दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोला आया और अरुण की किस्मत दगा दे गई और अरुण वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के सारे टैंकरों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भगदड़ मच गई और पाकिस्तानी सैनिकों ने उनकी वीरता के गुस्से को यह कहकर बताया अपने यहाँ कि भारत देश में एक ऐसा वीर था जिसने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल सच्चे देशभक्त को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही देशभक्तों के शौर्य गाथा के बारे में हम आपको बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।